स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। दोस्तों सिर्फ 2 दिन पहले की बात है जब मेरा कुछ बताया हुआ स्क्रिप्ट बहुत अच्छे तरीके से गिर रहा था तो लोग ने मेरे ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। मैंने चुप रहा था क्योंकि दोस्तों मैंने जो स्क्रिप्ट इससे पहले शेयर किया था वो स्क्रिप्ट के ऊपर मेरा 100% अगर उसे भी ज़्यादा होता है बिलीव था। और दोस्तों मार्केट उस समय में तेज़ी के रफ्तार में भाग रहा था, अभी भी भाग रहा है। उस समय में शेयर प्राइस काफ़ी गिरने के बाद जो सवाल उठाया गया था उसका जवाब मुझे देना है। दोस्तों फंडामेंटली अच्छे कंपनी नीचे आ सकता है पर नीचे रह नहीं सकता है। बहुत अच्छे गुरु से मैंने ये चीज़ सीखा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 4 स्क्रिप्ट स्पेशली शेयर करूँगा जो पिछले कुछ समय में अच्छे से फंडामेंटल अच्छे वैल्यूएशन होने के बाद भी नीचे कोई भी ऑपरेटर गिरा रहा था। आज पूरा मार्केट जब नीचे गिर रहा था, बड़े से बड़े स्क्रिप्ट नीचे गिर रहा था, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो आपका बजाज फाइनेंस क्यों ना हो, तब मेरे वो सारे स्क्रिप्ट में 5 से लेकर 7% तक जंप है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो इसीलिए मैंने ये लाइन लिखा है, जब शेयर प्राइस नीचे जाते हैं तब कौन से शेयर ऊपर जाते हैं। अगर आपने ये चीज़ जान लिया ना तो आपको अगर बहुत डीप करेक्शन भी होगा ना तब भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका पोर्टफोलियो ग्रीन फिर भी रहेगा। मैं आपको बताऊंगा ऐसे 3-4 स्क्रिप्ट जो मैंने पिछले 2-2.5 साल से हर एक डीप में चेक करके निकाला है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये स्क्रिप्ट न्यूट्रल हो जाते हैं, नहीं तो नेगेटिव में चले जाते हैं। अक्सर आपने देखा है FMCG ऐसे काम करते हैं बट एग्जैक्टली पूरा ऐसे FMCG के साथ इनका रिलेशन नहीं है, सही है। और आपका अभी भी समय है, अगर मार्केट डीप में आते हैं तो ये स्क्रिप्ट आपको यहाँ से 30 से लेकर 50% जंप पक्का देने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा स्क्रिप्ट है। प्रीवियस डे मैंने जो वीडियो बनाया था उसके बाद आज का रिएक्शन उसका कैसा रहा था। बिल्कुल अब सही देख रहा है, इसी कंपनी का नाम है फेयरकैम ऑर्गेनिक्स। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, आप थोड़ा सा मेहनत करिए। पिछले 2020 से लेकर अभी तक जितने सारे डिप हुआ है उसमें आप ध्यान से देखिए, इसी कंपनी ने हर एक डिप में मतलब ओवरऑल मार्केट के डिप में अच्छे प्रदर्शन दिया है। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होता है और लोगों को लगता है आप ये स्क्रिप्ट तो पाताल में घुस जाएगा। अच्छा, पाताल में घुस नहीं घुसा। और दोस्तों आप बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं, ये स्क्रिप्ट तो अभी इसी जगह से मॉर्निंग स्टार, हाँ बिल्कुल मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाकर ऊपर आने का कोशिश कर रहा है। आखिर थोड़ा सा डीपली देखे, यहाँ पे पाम ऑयल का कुछ इश्यूज था जिनके वजह से इनको नीचे गिराया जा रहा था। आखिर मैंने यहाँ पे जो बहुत डीप डिटेल्स में 20 पॉइंट्स ऑफ फेयरकैम ऑर्गेनिक्स का वीडियो बनाया है, अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल का पूरा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, ऑपरेटर का अगर मास्टर माइंड आपको पहचानना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब में, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे अच्छे गुरु से कुछ अच्छे ऑपरेटर का गेम प्लान सीखा है। आखिर क्या हुआ था, अर्निंग अच्छा आने के बाद भी जो ऑपरेटर सबको इसी प्राइस में माल नहीं मिला था उसके आसपास इन्होंने लेके आया। मैं आपको बता दूँ, मेरा ये पुराना होल्डिंग है, जब इसका प्राइस 900 के आसपास था तब से मैं होल्ड किया हूँ। बहुत बार इसी कंपनी के ऊपर मैंने स्विंग प्ले कर चुका हूँ और मैंने ये ऊपर का लेवल में ही परचेस करना शुरू किया था। मेरा जितने सारे सब्सक्राइबर है जो फॉलो करता है उन्होंने भी शायद ये जो स्विंग है, स्विंग जो नीचे आया ना, इसमें थोड़ा थोड़ा एवरेज करना शुरू कर दिया था। स्पेशली ये 1700 के आसपास जो जोन होता है ये एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट होता है यहाँ पे परचेस करने का। अब यहाँ से सिंपल सा टारगेट क्या निकल के आते हैं एक बार आप देखिएगा। अगर आप यहाँ से ख़रीदते हैं तो दोस्तों आपको अगर सिर्फ ये ऑल टाइम हाई जाना है तो आप कितने परसेंट देख पाएंगे, आप देख पाएंगे 40%।
मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, सिर्फ 1 साल होल्ड कीजिए, सिर्फ 40% नहीं, आपका पैसा डबल करके देगा, क्योंकि कंपनी का कैपेक्स, कंपनी का बिजनेस प्लान, कंपनी का एक्सपेंशंस इतना दमदार है। फंडामेंटल का वीडियो देखिए, तब आप इनको होल्ड कर पाएंगे। अगर नीचे ऑपरेटर लेके आते हैं फिर भी आप और परचेस कर पाएंगे। आते हैं नेक्स्ट कंपनी जो है फाइन ऑर्गेनिक्स। बिल्कुल सही देख रहे हैं, फाइन ऑर्गेनिक्स। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस फाइन ऑर्गेनिक्स को लोग तो 4,000 के भाव में बोल रहा था। जितने सारे यूट्यूब में पिछले 1 हफ्ते में फाइन ऑर्गेनिक्स रिलेटेड वीडियो बनाए ना, सबका वीडियो देखी है, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट ये वो 200 ये वो बहुत सारे दिया था। मैंने तो सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, अगर आपका कंपनी का बिजनेस में ट्रस्ट है और आपको एक रिजनेबल वैल्यूएशन में मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप होल्ड करिए। इतना अगर जल्दीबाजी करेंगे ना, बेच देते हैं फिर नीचे लेंगे, कोई भी ऑपरेटर मौका नहीं देगा आपको, क्योंकि भाई साहब ये फाइन है, सिर्फ 4% स्टेक पड़ा है मार्केट में, सिर्फ 4%, समझ रहे हैं ना, 4% ये भी ऑपरेटर लेना चाहते हैं। तो ऊपर से जितने सारे लोग ने बेचा है ना, ये सारे रिटेलर और डरपोक लोग ही है। मैं ऊपर का लेवल में होल्ड किया था, अभी भी होल्ड करके चल रहा हूँ। मुझे सिर्फ 5,000 के आसपास मिल जाए तो मैं और ज़्यादा खरीदूंगा। सच में ये जो 5,700 था ना, मैंने वहाँ पे भी मेरे पास जितना कैपिटल था मैंने परचेस किया, क्योंकि ये भी स्क्रिप्ट है, अगर मार्केट नीचे जाएगा फिर भी स्क्रिप्ट ऊपर जाएगा। आते नेक्स्ट में, बिल्कुल सही देख रहे, कंपनी का हम रेडिको खैतान है। मार्केट नीचे जा रहा है, जाने दो भाई, क्या प्रॉब्लम है, मार्केट नीचे जा रहा है भाई, भाई साहब तो एक अलग ही मज़े में है, ये ऑल टाइम हाई जाने के लिए अपना बेज बना रहा है, ये ऑल टाइम हाई जाने के लिए अपना बेज बना रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप ही पूरा मार्केट देखिए। और जैसे और एक है जो है, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्लीन साइंस। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार कंपनी है, केमिकल का सबसे बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही अच्छे पोजीशन में है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे जिस तरीके से फार्मा सेक्टर में बाइंग आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली इसी कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिए जो पॉइंट दिखा रहा हूँ ना, ये पॉइंट, दूसरा यहाँ पे पॉइंट, तीसरा यहाँ पे पॉइंट, ये सारे बाइंग पॉइंट है। अगर आपको इसके आसपास मिल रहा है तो ये अपर में छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी का हर एक क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा हो रहा है, रिजल्ट सबसे ऊपर काम पे आता है, टेक्निकल जो ऑपरेटर साहब है ना वो खुद ही बनाता है। ये चीज़ अगर आप समझ जाएंगे ना, तो मार्केट में लंबे देर तक टिक पाएंगे और ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, नहीं तो सिर्फ आप काटते जाएंगे काटते जाएंगे। आफ्टर ऑल 1 साल जाएगा, 2 साल जाएगा और बोलेंगे भाई मार्केट से पैसा नहीं बनता है, ऐसे नहीं चलने वाला।